हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, जिसका आपको इंतजार था, मुझे भी बेसब्री से इंतजार था, आपको उनसे मिलवाती हूँ। चलिए, ये है मेरी सबसे बड़े वाली जिठानी। हम में सब में बड़ी यही है, उनसे छोटी मैं हूँ और फिर रितु है, आदर रितु। हेलो। और देखिए, रितु है और मीनाक्षी अपने मायके में गई हुई है। हम चार पुरानी जिठानी हैं और पांच भाई हैं। चार की शादी हो चुकी है, वो ये बड़े वाली हैं। हेलो गाइस। और ये टीचर है एक, ये स्कूल में पढ़ाती है। जी, पब्लिक स्कूल है, वहाँ मैं टीचिंग कराती और ईशु के पापा भी एक टीचर हैं। ईशु को तो आपको पता है, ईशु कौन है? ईशु छोटी लड़की है इनकी, और बड़ी लड़की है किट्टू। उनसे भी मिलवाऊंगी। ए ईशु किट्टू, और देखिए ये किट्टू है, इनसे भी आप पहले मिल चुके हेलो हैं। गाइस। और ये मेरी शादी में 4.5 साल की थी, ये देखिए कितनी बड़ी होगी। और ये ईशु है, हेलो। ये छोटी बेटी है। दो बेटी है इनके पास। और किट्टू क्या करती है ये बताइए, आप कौन सी क्लास में हो? मैं जी पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं 11th क्लास में हूँ। ये अभी डांस का पेपर बहुत देख आई शौक है। और डांस ईशु का बहुत शौक है मैं भी बीए पब्लिक में पढ़ती हूँ, मैं 5th में। ये ठीक है। अरे किट्टू को डांस का बहुत शौक है, ये डांस भी। और ईशु भी बहुत अच्छा डांस करती ईशु है तो ये। आर्टिस्ट भी है, वो तो मैंने दिखा दिया, कलाकार है समझूंगी बहुत अच्छी। जब ना समझी रंगी ना सारी इसकी दिखाई, मगर इस नहीं रंगी ईशु ने। वो ये अपने घर पे ही रहती है। मैं बुढ़ाना रहती हूँ, यहाँ कभी कभी आती हूँ। और आज डॉटर्स डे है, आप सभी को हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ यू। और मिल लीजिए ईशु की मम्मी से। आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, सवाल आते हैं कि ईशु की मम्मी कौन है, तो ये है ईशु की मम्मी, इनसे मिल लीजिए। और पापा यहीं पे रहते हैं ईशु के, और ये कभी कभी आ जाती हैं, जब भी इनका मन करता है तभी आ जाती है। पास में ही है बुढ़ाना, 1 किलोमीटर दूर, तो कभी भी आ जाती है। और देखिए, दीदी लेकर आई थी लड्डू के लिए कपड़े, खोल के दिखा, और खोल के दिखाती हूँ आपको। लड्डू के लिए कपड़े लेके आई थी, ये देखिए, ये नेकर है, दो लड्डू जोड़ी कपड़े अच्छे लग रहे थे। सर्दियों का, ये सर्दियों अब का है। सर्दी आने वाली है तो ये सर्दियों का है। कैसे लगे आपको कपड़े, कमेंट करके बताना। ये पैंट है पैंट बहुत बढ़िया होगी, अभी ठीक है, मोड़ लगे लड़की थोड़े से से। ना अच्छे से तो ये एकदम से छोटे हो जाए, छोटे बच्चों के बड़े लेने पड़े हैं। ताकि तुम आज के लिए कंगन भी लेके आई थी, मम्मी को पसंद आए। मैं सोच रही थी कि मुझे तीनों मिल जाएंगी, मीनाक्षी भी 2-4 दिन के लिए आई है, मीनाक्षी गई हुई है अपने मायके में, इसी वजह से वो मिल नहीं पाएंगी, वो बाद में आएंगी, ये चली जाएंगी। ईशु के पापा के बारे में भी आपने पूछा था, ईशु के पापा से मिलवा दीदी, मिलवा दियो। और देखिए, हमारे घर में कितनी सारी डॉटर्स हैं, आज वैसे भी डॉटर्स डे है, आप सभी को हैप्पी डॉटर्स डे। आ जाओ गिट्टू। ये ईशु के पापा हैं, ये ईशु की मम्मी हैं, और ये दो बेटियां हैं, बड़ी बेटी ये है और छोटी बेटी ये है। और ये मिष्टी है, इसको भी आपको पता है, ये भी आ जाएगा। और ये मिकी फोन दे देगा, फोन नहीं देगा दादा। आपको कैसी लगी मेरी जिठानी, कमेंट में जरूर बताना। और ये देखिए, जो मम्मी ने मूरत बनाई थी आज उसमें रंग भरा है, और ये सारी कंप्लीट हो गई। देखिए आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। और एक इधर है, अब ये पूरी नहीं हुई, अभी इसमें रंग बाकी है, अभी ये भरना। ईशु ने भरी या? है ईशु, ये होगी पूरी। गले में कर दे, गले में कर। इस वाली को देख के कर दे, देख इसके हो रहे गले में साफ।
इसकी तो बस आंख रह रही है, शेर की आंख रह रही है। और ये इसमें रह रही है बहुत टाइम। चाचा कोई ब्रश खाली है, ब्रिक वाला चल ले लिए। देखिए शाम का टाइम है, 4 बज रहे हैं और शाम के टाइम भी लगाओ तो पहले झाड़ू फिर करूंगी कपड़ों की तय। 2 दिन के कपड़े धोए हैं, बहुत ज्यादा पड़े हैं, उनकी तय बनाने में बहुत टाइम लगेगा। देखिए बच्चे चले गए हैं चाची के यहाँ खेलने के लिए, क्योंकि चाची के यहाँ खेल कर ना बहुत खुशी मिले। अब मैं कर लूँ कपड़ों की तय। अरे तू जा रही है डॉक्टर के? परिवार पूरा हो गया क्योंकि ये जिठानी भी आ गई। और लड्डू देख क्या देखे, क्या हिंडा ना मम्मी उनकी तरफ परछाई देखे, परछाई देखे ये लड्डू कितना मोटा हो गया। मैं भी आपके पास आना चाहता है, इसे गोदी ले लो। देख पकड़े है, देख आवे यो फ्रेंड, चल चल फ्रेंड इसे ले लो ये आपके पास। देख क्या आवे लड्डू, गोदी आवे ये लड्डू, गोदी आवे चलो। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।